नमस्कार स्टूडेंट, आइए हम आगे अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़े थे और उसके लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि मैटर कितने प्रकार के थे। इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि जो हमारे आसपास मैटर हैं वो कितने प्योर हैं, कितने इम्प्योर हैं, कौन कौन से प्योर मैटर हैं, कौन कौन से इम्प्योर सबस्टेंस हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैटर क्लासिफिकेशन पढ़ा था और हमने देखा था कि मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक था प्योर सबस्टेंस, सेकेंड इज कॉल्ड इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस को फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, वन इज कॉल्ड एलिमेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन द सेम वे इम्प्योर सबस्टेंस यू कैन से मिक्सचर, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड टू कैटेगरीज। इम्प्योर सबस्टेंस आर मिक्सचर इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मेटल को डिस्कस कर चुके थे, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। ओके, नाउ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स तो हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना था हम लोग को। मेटल क्या था? ऐसा कोई भी प्योर सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो मेटल कहलाता है। नॉन मेटल क्या होता है? ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल कहलाता है। कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल कहलाता है। तो क्वेश्चन ये था कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहा है? तो जाहिर सी बात है, दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हर वस्तु जो है वो स्टेबल होना चाहती है। जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहती हैं। ठीक वही काम आपके एलिमेंट में भी होता है। हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबिलिटी की जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया था वो क्या था? वो ये था कि जब भी किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है वो एलिमेंट, तो वो स्टेबल हो जाता है। तो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है और गेन भी करता है। अगर कोई एलिमेंट अपने ऑक्टेट को, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था तो मेटल कहला रहा था। इसी प्रकार अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे नॉन मेटल्स। बात समझ में आई? तो किसी ने पूछा अगर आपसे कि भाई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन कर रहा है, क्यों लूज कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है, ये सभी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल होना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो रहा है तो वो मेटल कहलाएगा। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो रहा है तो वो नॉन मेटल कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां बात करते हैं नॉन मेटल की। दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन which gain electrons are called non-metal. बात समझ गई? तो कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो कहलाता है non-metal. प्रॉपर्टीज क्या इसकी पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज
ऑफ नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल जितने भी आपके मेटल थे वो सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, जैसे कि गैलियम था, मर्करी था, ये सारे मेटल थे, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पर ये सारे मेटल जो थे वो सॉलिड फॉर्म में न होकर के लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। यहाँ पर जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल आपका जो मेटल है सॉलिड फॉर्म में, और एक दो नॉन मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में थे, लेकिन यहाँ पर जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। फर्स्ट इट एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। इट कल ना करके इसको अगर हम दीज कहें तो ज्यादा बेटर होगा, दीज एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपका ब्रोमीन, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे मेटल्स हैं, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल हैं, लेकिन ये देखिए अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सभी नॉन मेटल हैं, लेकिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। ये नॉन मेटल जो है मैटर के तीनों स्टेट को फॉलो करते हैं। ब्रोमीन जितने नॉन मेटल हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म होंगे या तो गैसेस फॉर्म में, सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद रखिए ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे नॉन मेटल हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गैस। देयरफॉर और जहां तक मेटल की बात थी, मेटल जो था वो दो स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। कोई भी मेटल जो था वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। मेरी बात समझ आ रही है? नाउ सेकंड प्रॉपर्टीज, नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लें। सेकंड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। एंड नॉन मैलिएबल। मेटल जो थे वो सारे डक्टाइल थे और मैलिएबल नेचर शो करते हैं। नॉन मेटल जो है वो नॉन डक्टाइल होता है और नॉन मैलिएबल होता है, यानी आप नॉन मेटल को खींच करके वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही नॉन मेटल को आप पीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए नॉन मेटल क्या होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मैलिएबल होता है। लेकिन कार्बन फाइबर, कार्बन एक नॉन मेटल है जो डक्टाइल नेचर को शो करता है। नोट, कार्बन फाइबर आर डक्टाइल, कार्बन फाइबर इज डक्टाइल, कार्बन फाइबर जो है वो डक्टाइल होता है।
ये डक्टाइल नेचर को शो करता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे नॉन डक्टाइल हैं और नॉन मेलिएबल हैं। बात समझ आई? थर्ड, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। हमने इसके पिछले लेक्चर में इस बात पे चर्चा की थी कि कंडक्टर जो कंडक्टर है या किसी भी सब्सटेंस की जो कंडक्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिस सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कभी नहीं हो सकता है। तो सॉलिड फॉर्म में अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। चाहे कोई भी सब्सटेंस है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अच्छा कंडक्टर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, और जब लूज करेगा ही नहीं तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे यही कारण है कि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बस हमने एक्वस सॉल्यूशन का भी जिक्र किया था। एक्वस सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है जिसमें फ्री आयंस होते हैं। सॉल्यूशन में जिसमें फ्री आयंस होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा। सॉलिड में जिस सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो अच्छा कंडक्टर कभी नहीं हो सकता है। तो अगर नॉन मेटल अच्छा कंडक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। किसी ने पूछा क्यों नहीं होते हैं? भाई इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। अगर लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही नहीं करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से? और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो अच्छा कंडक्टर भी नहीं होगा। बिकॉज नॉन मेटल्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई? नॉन मेटल अच्छा कंडक्टर नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन देखिए कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं, एक है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। एलोट्रॉप्स का मतलब कि ऐसे सबस्टेंस जो एक ही एलिमेंट से बने हों लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हों, उनका फॉर्म अलग अलग हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कि देखिए आपका ग्रेफाइट पेंसिल लीड में आप इस्तेमाल करते हैं, डायमंड जिसका आपने नाम सुना है। तो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों सब्सटेंस जो है वो कार्बन से ही मिलकर बने हैं, लेकिन एक जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है और एक जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, जो कि दोनों कार्बन से मिलकर बने हैं। तो जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, और दोनों ही कार्बन से मिलकर बने हैं। और कार्बन क्या आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो देखिए यहां पर एक्सेप्शन में जरा देखिए, एक्सेप्शन ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों अच्छा कंडक्टर है?
आपसे हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो कभी अच्छा कंडक्टर बन ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है इसका। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर अच्छा कंडक्टर है तो सीधा सा बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पीछे यह है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बात खत्म। तो अगर हम कह रहे हैं कि आपका ग्रेफाइट जो कार्बन से बना हुआ है, नॉन मेटल है, फिर भी अच्छा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। डायमंड बैड कंडक्टर है, क्यों बैड कंडक्टर है, डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है लेकिन डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए डायमंड क्या आपका बैड कंडक्टर है। बात सुन भाई, नाउ बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लिख देते हैं इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, पहली प्रॉपर्टी में देखा था कि आपका जो नॉन मेटल है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि जो मेटल है वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। अब आते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टीज पे, चौथी प्रॉपर्टीज हमारी क्या थी, जो मेटल है नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, नॉन लस्चरस, जो नॉन मेटल है उसमें लस्चर नहीं होता है, उसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है, नॉन लस्चरस होता है। जैसे कि मेटल है वो लस्चर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे लेकिन जो नॉन मेटल था वो नॉन लस्चरस है। नॉन लस्चरस क्यों है, हमने आपसे कहा कि लस्चर का भी जो रीजन है ये है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके अंदर है, उस सब्सटेंस पर अगर लाइट पड़ती है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो लाइट का रेडिएशन करेंगे और जब लाइट का रेडिएशन करेंगे तो उसमें लस्चर पैदा होगा, उसमें शाइनिंग पैदा होगी। दिस इज कॉल्ड लस्चर प्रॉपर्टी। तो लस्चर प्रॉपर्टी को शो करने के लिए भी फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो लस्चरस प्रॉपर्टी को शो करेगा। यहाँ पर जो नॉन मेटल है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जब लूज ही नहीं करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो नॉन लस्चरस, उनमें लस्चर नहीं होगा। फिर भी यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन का क्या है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, ग्रेफाइट और आयोडीन ये ऐसे नॉन मेटल हैं जो लस्चर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर ये लस्चर प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके अंदर कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसीलिए ये लस्चर प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, सो लस्चर, मेटल्स नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन दो ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि लस्चर प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनमें लस्चर पाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल जो है जनरली सॉफ्ट होते हैं, मेटल बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन डायमंड जो कार्बन से मिलकर बना हुआ है और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ये जो डायमंड है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है क्या उसको, नॉन मेटल है। और जितने भी सब्सटेंस हैं उसमें सबसे अधिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है, डायमंड की, एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है,
डायमंड किससे बना है? कार्बन से। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, यानी कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो काफी ज्यादा हार्ड भी है, और इतना ज्यादा हार्ड हो गया कि इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस। और डायमंड है क्या? नॉन मेटल है। किससे बना है? कार्बन से। मेरी बात समझ आ रही है? हम बात करेंगे मेटलाइट में। ये तो हमारा नॉन मेटल था जिसकी तो ऑडियो पढ़ रहे थे, मेटलाइट। मेटलाइट क्या होता है? मेटल ऐसा प्योर सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था मेटल कहला रहा था, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था नॉन मेटल कहला रहा था। तो और ऐसा कोई भी सबस्टेंस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है वो कहलाता है आपका मेटलाइट। यू कैन से इट सेमी मेटल आल्सो, आप इसको जो है सेमी मेटल भी कह सकते हैं। मेटलाइट क्या होता है? ऐसा प्योर सबस्टेंस या वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है वो कहलाता है आपका मेटलाइट। दोज एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज of both metal and non-metal. Metal are called metalloid. और सेमी मेटल, सेमी मेटल। दोज एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड। ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है वो कहलाता है आपका मेटलॉइड। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एक्सेट्रा। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सिलिकॉन है, ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसलिए ये एलिमेंट कहलाएंगे आपके मेटलाइट। बात समझ में आ रही है? नो। अब हम बात करते हैं, ये तो मेटलाइट थे, इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट थे जिसको एकदम अलग कैटेगरी में रखा गया, दैट इज कॉल्ड नोबल गैसेस। इसको अलग से आप नोट कर लीजिए, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। तो अभी हमने जो एलिमेंट थे उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज कॉल्ड मेटलॉइड। एक और कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड नोबल गैसेस, इसको हम अलग से बता देते हैं आपको। नोबल गैसेस क्या होती हैं? ऐसी गैसें जो जिनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, जो पहले से स्टेबल हैं, जो जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं, वो गैसें कहलाती हैं नोबल गैसेस। कुछ लोग इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस कहना ठीक नहीं है, इसलिए कि इनर्ट को, इनर्ट का मतलब ये हो गया कि ऐसी गैस जो कभी किसी से रिएक्शन ही ना करे। अगर कभी किसी से रिएक्शन नहीं करेगी तो ऐसी गैस कहलाएगी इनर्ट गैस, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये गैसें भी रिएक्शन करती हैं। ये कहना कि रिएक्शन कभी करेंगे ही नहीं,
ये गलत है, ये गैसें भी रिएक्शन करती हैं लेकिन जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों नहीं जल्दी रिएक्शन करती हैं? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है। तो ऐसी गैसें जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, जो जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं, ऐसी गैसें कहलाती हैं आपकी नोबल गैसेस। दोज गैसेस विच हैव स्टेबल कॉन्फिग्रेशन एंड डू नॉट रिजेक्ट इजिली easily are called noble gases. वो गैसें जो जिनका जो कॉन्फिग्रेशन है वो स्टेबल होता है, और जो गैसें आसानी से रिएक्शन नहीं करती हैं, ऐसी गैसों को हम कहते हैं नोबल गैसेस। कौन कौन सी गैसें हैं जब देखिए, कौन कौन सी गैसें, हीलियम है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये वो गैसें हैं जो जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं, ये स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है, इसीलिए ये मोनोएटॉमिक होती हैं। जरा ध्यान से देखिए इन गैसों को, देखिए ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन N2, ये नाइट्रोजन N2, ये देखिए गैसें, ये भी गैसें हैं लेकिन ये नोबल गैसें नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि नोबल गैसें नहीं थी इसलिए ये डाई एटॉमिक हैं, यानी इनके एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, लेकिन ये आपकी जो नोबल गैसें हैं ये मोनो एटॉमिक होती हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं, और जब रिएक्शन करेंगी नहीं किसी से तो डाई एटॉमिक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये क्यों रिएक्शन की, अगर देखिए जरा ध्यान से इसको, ऑक्सीजन का एटम 8, कॉन्फिग्रेशन का 2-6। इसका आउटर सेल देखिए, यहाँ देखिए नियॉन का एटम नंबर 10-2-8। देखिए इसका आउटर सेल, इस गैस को देखिए और इस गैस को देखिए, अगर यहाँ देखा जाए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ देखा जाए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये पहले से स्टेबल है इसलिए जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगी, अगर रिएक्शन नहीं करेंगी तो ये गैसें जो है मोनो एटॉमिक फॉर्म नहीं पाई जाएंगी, यानी इनके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होगा। यहाँ पे इस गैस को देखिए, ये डाई एटॉमिक है। क्यों डाई एटॉमिक है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए ये दूसरे एटम से रिएक्शन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगी, और कंप्लीट करेगी ये डाई एटॉमिक, यानी इसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होगी, और ये किस फॉर्म में होगी? मोनो एटॉमिक। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है और ये ऑलरेडी स्टेबल नहीं है। मुझे बात समझ आई? नो। तो ये जितने भी नोबल गैसें हैं ये सारी स्टेबल हैं। ये हीलियम का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, और इस दुनिया में जो सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद जो सबसे हल्की गैस है वो कौन सी विद्यार्थी? हीलियम। सबसे हल्की जो एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद वो कौन है? हीलियम। बहुत ज़्यादा यूज है इसका हीलियम का। आप बलून में देखिए जो गैसें डाली जाती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। एरोप्लेन के जो टायर्स हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। जो सी डाइवर्स हैं जिसको गोताखोर कहते हैं, जो सी डाइवर्स हैं वो भी सिलेंडर में लेकर के जिस गैस को पानी के अंदर जाते हैं वो कौन सी गैस है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, उसमें भी हीलियम गैस मिलाई है। रेडॉन, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडॉन जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये गैसें हैं, ये गैसें कहलाती हैं आपकी नोबल गैसें। बात समझ आई? नो। तो हम बात करेंगे कंपाउंड पे, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हम देख लिए,
अब बात करते हैं कंपाउंड की। यहाँ देख कंपाउंड, बात इस कंपाउंड पे करना था। तभी तक हम देख रहे थे एलिमेंट्स के बारे में, अब बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? देखिए, अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर मिलाए जाते हैं मास के रिस्पेक्ट में, तो जो सबस्टेंस तैयार होगा वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं, तो उससे जो सबस्टेंस मिलेगा वो सबस्टेंस कहलाएगा हमारा कंपाउंड। याद रखिए, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं उनका प्रोपोर्शन हमेशा डेफिनेट होता है। अगर वो प्रोपोर्शन आपने डिस्टर्ब किया तो फिर आपको वो कंपाउंड नहीं मिलेगा, फिर आपको दूसरा कंपाउंड मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? कंपाउंड वो सबस्टेंस है जिसमें जो एलिमेंट है उनका प्रोपोर्शन फिक्स है। अगर प्रोपोर्शन बदला तो फिर आपको कंपाउंड नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको? मिक्सचर। तो कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज प्योर सबस्टेंसेस इन विच टू आर मोर एलिमेंट्स, टू आर मोर एलिमेंट्स, टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास। दो प्योर सबस्टेंसेस इन विच टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास आर कॉल्ड कंपाउंड्स। ठीक, दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं तो उससे जो सबस्टेंस हमको प्राप्त होगा वो सबस्टेंस कहलाएगा कंपाउंड्स। प्रोपोर्शन फिक्स है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये H2O है। अगर H2O है, H2O दिस इज द वाटर, अक्सर लोग पूछते हैं वाटर मिक्सचर कंपाउंड है, तो जो वाटर है वो कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि यहाँ देखिए दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये H2O का फार्मूला है, इनका प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसका मास लें, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? दो। ऑक्सीजन मास 16, क्लास 9th में आपने एटॉमिक मास पढ़ा होगा। तो जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन जो एक है उसका मास एक। तो यहाँ दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? दो। तो दो और ऑक्सीजन मास 16, रेशियो क्या बना? 1:8। ये मास का रेशियो है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के मास के रेशियो में आप कंबाइन करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? वाटर। अगर ये रेशियो गड़बड़ हो गया तो फिर आपको वाटर नहीं मिलेगा। इसे देखिए, अगर हम यहां देखें H2O2, अब यहां देखिए, यहां 2:32, यानी 1:16 ये 16 हो गया। देखिए यहां पे रेशियो जो वाटर में है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 का है, लेकिन यहां देखिए रेशियो आपने चेंज किया, रेशियो चेंज किया तो कंपाउंड भी दूसरा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कंपाउंड वो प्योर सबस्टेंस है जिसमें एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। अगर वो प्रोपोर्शन चेंज हो गया तो फिर आपको वो कंपाउंड नहीं बल्कि दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो 1:8 का है। H2O2 दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड,
ये दूसरा कंपाउंड है। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है 1:16 है। तो देखिए आपने ऑक्सीजन के प्रोपोर्शन को चेंज किया, और अगर ऑक्सीजन के प्रोपोर्शन को चेंज किया तो कंपाउंड भी चेंज हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है? तो कंपाउंड क्या है? वो प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट मास के रिस्पेक्ट में अगर फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं तो जो सब्सटेंस हमको मिलता है वो सब्सटेंस कहलाता है कंपाउंड। अगर प्रोपोर्शन चेंज हुआ तो फिर वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। किसी प्रोपोर्शन मिला देंगे, अगर किसी प्रोपोर्शन मिलाते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है तो वहां जो सब्सटेंस मिलेगा वो कंपाउंड नहीं, वहां पर क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर में प्रोपोर्शन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहां प्रोपोर्शन क्या है वो फिक्स है, फिक्स है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? नो। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड एग्जाम्पल नोट कर दिया आपको, ये देखिए एग्जाम्पल इसका H2O रेशियो 1:8 का है, H2O2 ये देखिए अगर इसको बनाना है 1:16, CO2 ये भी कंपाउंड है, कार्बन देखिए मास का 12, इसका मास 32, 16:32, तो 3:8 का रेशियो हो गया, 3:8 का रेशियो यानी 12 और ये 32, तो कितना है 3:8, 4:32, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को अगर 3:8 के रेशियो में मास के प्रोपोर्शन में अगर आप मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CO2। अगर ये प्रोपोर्शन गड़बड़ हुआ तो फिर आपको CO2 नहीं मिलेगा। तो जितने कंपाउंड हैं उसमें एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आई? नाउ टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को स्पेशली जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है और सेकंड कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड डिस्कार्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको आप लिविंग बींग से प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको आप प्लांट से एनिमल से यानी आप लिविंग बींग से प्राप्त करते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड from living things are called organic compound। वो कंपाउंड जिसको आप लिविंग बींग से प्राप्त करते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड अगर हम देखें ऑक्जेलिक एसिड को फार्मूला, इसका इसका फार्मूला नोट कर दीजिए COOH इज द फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये कहां से प्राप्त होता है? फ्रॉम टोमेटो, फ्रॉम टोमेटो। इसी तरह से टार्टरिक एसिड, कहां से प्राप्त होता है?
टैम्ब्रिन से। इसी तरह से फार्मिक एसिड, फ्रॉम आंट, देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड खासियत यह है कि एक तो वो लिविंग बींग से भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ उसमें कार्बन भी मौजूद होगा। ये देखिए कार्बन है, तो अगर कार्बन भी मौजूद है और वो लिविंग बींग से प्राप्त हो रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ आ रही? तो देखिए आपका जो ऑक्जेलिक एसिड है ये आपको टोमेटो से प्राप्त होता है, टोमेटो इज अ प्लांट है, लिविंग बींग्स है, वहां से प्राप्त हो रहा है। टार्टरिक एसिड टैमरिन से प्राप्त होता है। जो आपका फार्मिक एसिड है वो आंट से, आंट है, वैस्प है, बर्रे जिसको कहते हैं आप, स्कॉर्पियन है, ये सारे जो एनिमल हैं उससे जो एसिड मिलता है, जो कंपाउंड मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फार्मिक एसिड। तो वो यूरिया है, प्रोटीन है, आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, और भी देखिए, यूरिया सॉरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यूरिया, देखिए ये सारे जो कंपाउंड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे कंपाउंड हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? लिविंग बींग से। इसलिए ऐसे हम कंपाउंड को, ये देखिए जितने भी ये सारे कंपाउंड दिख रहे हैं, ये सारे कंपाउंड जो है लिविंग बींग से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन सारे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात समझ में आ रही है? नाउ अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या? दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग non-living things are called organic, inorganic compound. Those compounds which are obtained from non-living things are called inorganic compound. तो ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग्स, चट्टानों से, पहाड़ों से, इन सब चीजों से प्राप्त होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड है, नमक, नमक का फार्मूला है, ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है? सी से प्राप्त होता है, नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त हो रहा है, इसलिए कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। CaCO3 इज द फार्मूला ऑफ मार्बल, संगमरमर का फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त हो रहा है, चट्टानों से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाशिंग सोडा, KOH, H2SO4, तो ये सारे वो कंपाउंड हैं जो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो कंपाउंड जो लिविंग बींग से प्राप्त हो रहे थे उसको हम कह रहे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ रही है?